नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर क्या होता है, क्योंकि भूमि का प्रतिरोध नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर या अर्थ टेस्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आज उस अर्थ टेस्टर का अध्ययन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि अर्थ टेस्टर, मेगर, ओमीटर, ये सब क्या नापते हैं? ये प्रतिरोध ही नापते हैं। तो आपसे ये कंफ्यूज है कि निम्न में से कौन सा जो यंत्र है वो प्रतिरोध नापता है। तो प्रतिरोध तो तीनों नापते हैं, लेकिन तीनों की कंडीशन अलग अलग होती है। ये अर्थ का प्रतिरोध नापता है, मेगर इंसुलेशन का प्रतिरोध नापता है, और वो किसी इक्विपमेंट या किसी क्वाइल किसी अंदरूनी प्रतिरोध नापता है। तीनों प्रतिरोध नापते हैं, लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है। तो मेगर का आप लोगों ने अध्ययन किया, और सबसे बड़ी बात कि तीनों के अंदर ही विद्युत सप्लाई होती है। ओम मीटर में भी होती है, मेगर में भी होती है, और इस अर्थ टेस्टर में भी होती है। तो इनका उपयोग वहाँ नहीं कर सकते जहाँ ऑलरेडी सप्लाई हो, जहाँ पहले से सप्लाई मौजूद होती है, वहाँ इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने मेगर देखा था, मेगर के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित ये लगभग मिलता जुलता है, सेम टू सेम मेगर के प्रयोग होता है। लेकिन इसमें कुछ अंतर, यहाँ एसी प्रयोग करेंगे, मेगर में डीसी प्रयोग की थी, इसलिए कुछ अंतर होने के कारण इसका स्पेशल अध्ययन कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं, आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, और जैसे आप लोगों को कंफ्यूज भी रहता है, इसलिए इस अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का पूरा अध्ययन करने के लिए, बारीकी से समझने के लिए, और अपने पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए और अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो आज देखेंगे अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। ये देखें, आप अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर को हिंदी में क्या कह सकते हैं? भूमि प्रतिरोध परीक्षक। क्या लिखेंगे? भूमि प्रतिरोध परीक्षक, अर्थ टेस्टर भी बोल सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? अर्थ टेस्टर का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है, किस किस स्थान पर काम करता है, और अंदर से संयोजन कैसे होते हैं, क्या क्या इसके अंदर व्यवस्था होती है, किस प्रकार ये मापता है, और कौन सा यंत्र होता है, सब की बातें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यह करता क्या है, क्या करता है, और इसका सिद्धांत क्या है, छोटी छोटी बातें हैं देख लेना। यह करता भूमि का प्रतिरोध नापता है। क्या लिखेंगे? ये भूमि का प्रतिरोध नापता है, प्रतिरोध मापता है, या कह सकते हैं भूमि के प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अर्थ टेस्टर होता है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है। उसके बाद देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, सिद्धांत, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या देखेंगे? सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल देखते हैं, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पोटेंशियल ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप को क्या कह सकते हैं आप लोग? विभवपात। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? विभवपात कह सकते हैं, विभवपात के सिद्धांत पर, विभव विधिपात भी बोल सकते हैं इसको, विभव पात या विभव विधिपात भी बोल सकते हैं, विभव विधि का पात होता है, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपसे काफी बार पूछे गए प्रश्न, अर्थ टेस्टर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक देखना, जैसे यहां आप लोग दो चीज याद रखना, मेरे से किसी ने प्रश्न भी किया था कि सर ये प्रश्न आ जाए इस प्रकार का कि ये यंत्र कौन सा यंत्र है, जैसे इंटीग्रेटिंग है या इंटीग्रेटिंग है या रिकॉर्डिंग यंत्र है, जैसे समाकलीय है, सूचक है और अभिलेखन है, तीन प्रकार के यंत्र आप लोगों ने देखे थे, तो ये यंत्र कौन सा यंत्र है? तो आप लोग देखोगे इसके अंदर पॉइंटर होता है, स्केल होती है, पैमाना होता है, पॉइंटर घूमता है। मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ। तो पॉइंटर होता है, पॉइंटर जहाँ होगा उसको क्या कहेंगे? ये सूचक यंत्र कहलाता है। तो आप लोग इसको सूचक यंत्र की श्रेणी में ले सकते हैं। क्या कहेंगे? सूचक यंत्र होता है, सूचक यंत्र होता है। अब सूचक यंत्र को क्या कहेंगे? इंडिकेटिंग यंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। मैं देखना बात, अब उसके बाद देखा जाए तो देखो इसमें क्या है, मूविंग कॉयल होती है, कॉयल घूमती है, मूविंग कॉयल घूमते हैं। अब ये देखेंगे मूविंग कॉयल होती है, मूविंग कॉयल कौन से यंत्र में थी? आप लोग ये देखो, मूविंग कॉयल इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र में थी। किसमें थी? इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र में थी, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र भी कहलाता है। ये कौन सा, निम्न में से कौन सा यंत्र है? इसके अंदर जो ओमीटर होता है, ओमीटर होता है, वो कौन सा यंत्र होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र होता है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र भी कह सकते हैं इसको। इसके सिद्धांत पर निम्न में से कौन सा यंत्र है? इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रेरण प्रकार का होट वायर यंत्र, जो भी यंत्र है। तो मेगर आ गया, ओमीटर आ गया, या फिर अर्थ टेस्टर आ गया, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र भी हो सकते हैं। यदि इसे स्पेशल कैटेगरी पूछ जाए
कि ये कौन से यंत्र होते हैं, तो सूचक तो आ गए। उसके बाद में इसके अंदर मूविंग कॉइल घूमती है, दो कॉइलें होती हैं, पीसी होती है, सीसी होती है। वही पीसी सीसी किस में थी? उसमें थी अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक वाले में थी, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक हो सकता है। तो ये तो कुछ नॉर्मल सी बातें थी इसकी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कर रहे हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए आप लोगों के सामने जो समस्या आई, जो क्वेश्चन होते हैं, ये इस प्रकार से मतलब कि क्रिएट हो सकते हैं। चलो अब दिखाता हूँ इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होते हैं और किस प्रकार ये अर्थ के रेजिस्टेंस को मापता है। चलो देखते हैं अब यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डायग्राम में क्या होगा, एक डीसी जनरेटर होगा, हस्तचालित डीसी जनरेटर होगा। याद रखना क्या होगा, मैं एक डीसी जनरेटर का चित्र बना देता हूँ यहाँ पे। चलो ये डीसी जनरेटर बना देता हूँ, बस अंदर का स्वरूप नहीं दिखाऊंगा। अंदर का स्वरूप आप लोग जानते हो, किसमें दो पोल होते हैं, अंदर आर्मेचर होता है, आर्मेचर में कॉइल होते हैं, कम्यूटेटर होता है जो डीसी उत्पन्न करके देता है, एसी को डीसी में बदलता है। ये यहाँ पे शाफ्ट हो गई और यहाँ पे इसको घुमाएंगे, इसका हैंडल होगा, इसको पकड़ के घुमाएंगे, ठीक है। और ये नीचे की शाफ्ट होगी यहाँ पे। अब देखो आगे दिखाता हूँ, ये हो गया आपका डीसी जनरेटर हस्तचालित। यहाँ से क्या मिलेगी आप लोगों को, यहाँ मिलेगी आपको डीसी। डीसी देखो कैसे मिलेगी, यहाँ पे कम्यूटेटर होगा, आप लोग जानते हो कम्यूटेटर होगा, माना कि ये इसके ऊपर कम्यूटेटर में दिखा देता हूँ रेड कलर से, ये यहाँ पे कम्यूटेटर होगा इसका, ये कम्यूटेटर होगा, अंदर से कम्यूटेटर बन के आ गया। अब कम्यूटेटर पे दो सप्लाई निकलेंगे, देखो एक एक कार्बन ब्रश ये रहेगा, एक कार्बन ब्रश ये रहेगा, ये चलो दो कार्बन ब्रश लगा दिया, आपको दिख रहा होगा सामने अच्छी तरह से दो कार्बन ब्रश लगा दिए। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये यंत्र ओम मीटर इसके अंदर लगेगा, दो चीज आएंगे आपके सामने, ओम मीटर इसके अंदर प्रयोग करेंगे, जो रीडिंग का मापन देगा अर्थ का रेजिस्टेंस, वो तो डीसी पे कार्य करता है, लेकिन भूमि जहां अर्थ इलेक्ट्रोड होता है अपने, अर्थिंग होती है, ठीक है ना, अर्थिंग होती है, वो एसी पे लगेंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रभाव होगा, वहां पे ग्रीन रंग का कुछ एक जंग सा लग जाता है, तो वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यथार्थ मापन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां देंगे एसी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस यंत्र की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, पूछा जाए इस यंत्र की आवश्यकता, डायग्राम बताऊंगा आप लोगों को, आपके सामने आ गई यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आप लोग पता है कि भूमि जो अर्थ जो अर्थिंग करते हैं, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जैसे एक नॉर्मल अवस्था में देखा जाए 5 ओम से, और कम से कम कितना होता है 1 ओम, या 1 ओम से कम होना चाहिए भूमि का रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी अपने यदि रेतीले क्षेत्र में देखा जाए तो 5 ओम, और यदि पहाड़ी क्षेत्र में देखा तो 8, इसलिए उसको कौन नापेगा कि इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना है, इसलिए उस अर्थ रेजिस्टेंस को नापने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे इंसान को कभी भी झटका लग सकता है, क्योंकि अर्थिंग करती क्या है, एक सुरक्षा करती है अपनी, विद्युत झटके से सुरक्षा करती है, और यदि वहां रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो झटका कभी लग सकता है, इसलिए उस अर्थ रेजिस्टेंस को नापने के लिए, उस अर्थ रेजिस्टेंस की यथार्थ स्थिति का पता करने के लिए इस अर्थ रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये तो हो गया आपका डीसी जनरेटर हो गया, या फिर ये कहोगे सर आपने यहाँ दो चुंबक लगा दूंगा, आर्मेचर लगाऊंगा, फिर वो आपके समझ की बात है। और एक आपको क्या मिलेगा, एक ओम मीटर मिलेगा, चलो ओम मीटर दिखा देता हूँ। ओम मीटर में क्या मिलेगा, दो चुंबक मिलेंगे आपको, एक ओम मीटर मिलेगा, ये दो चुंबक होगी, समझना मेरी बात को, दो चुंबक लगा दी मैंने यहाँ पे, दो चुंबक लगाई, और यहाँ मैं आपको दो कॉइल दिखाता हूँ, फिर पूरा स्वरूप लिखाऊंगा। चलो ये दो कॉइल दिखा देता हूँ यहाँ पे, दो कॉइल कैसे रहेंगे, एक पीसी रहेगी, एक सीसी रहेगी। चलो मैं यहाँ पीसी दिखा देता हूँ, आप लोग जानते हो पीसी सीसी के बारे में अच्छी तरह जानते हो आप लोग। चलो मैंने दो कॉइल दिखा देता हूँ, ये आपकी पीसी होगी और ये आपकी सीसी होगी, दो कॉइल दिखा दी मैंने वाइंडिंग ऐसे दिखाई, और ये आपका रहेगा पैमाना, ये रहेगा पैमाना, और यहाँ से रहेगा आपका पॉइंटर, और पॉइंटर पे रहेगा आपका पैमाना, ये आ गया पैमाना, ये हो गया आपका पैमाना, ये हो आपका पॉइंटर, ये तो आपका ओम मीटर है, इतनी दूर का ये स्वरूप क्या है, ओम मीटर का है, और ये आपका एन और एस। ओम मीटर क्या नापता है, प्रतिरोध नापता है, समझ रहे मेरी बात को। अब देखो यहां इसकी बात करें, यहां आपको एसी के लिए दो, एक तो लगाएंगे एसी को डीसी बदलने वाली युक्ति, और एक डीसी को एसी फिर से बदलने वाली युक्ति, दो युक्ति लगाएंगे यहां पे। तो मैं दो युक्ति लगा देता हूं, देखो यहां पे एक तो लगा दी मैंने ये युक्ति,
एक युक्ति तो मैंने ये लगा दी, ये क्या बदलेगी, ये इस डीसी को एसी में बदलेगी, जो डीसी मिलेगी डीसी को एसी में बदलेगी। और एक युक्ति में और लगा देता हूँ यहाँ पे, चलो पैमाना मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, मैं एक युक्ति और लगा देता हूँ आपको मैं। एक युक्ति मैंने ये लगाई, अब देखो ये इतनी ये जो युक्ति है ये युक्ति एक युक्ति ये है एक ये है, इसका नाम दिखाता हूं आपको क्या है, ये दोनों युक्तियां हैं ठीक है। अब देखना मैं पैमाना यहां दिखा देता हूं आपको कि ये पैमाना दिखाया, ये हुआ आपका पैमाना, ये आपका पॉइंटर हुआ ठीक है। अब दिखाता हूं देखो ये दोनों युक्तियां की बात करता हूं मैं आपको, वैसे दिखा देता हूं दोनों युक्तियां आपको दिख रही है साफ साफ नजर आ रही है दोनों युक्तियां कैसी हैं, मैं यहां रेड कलर से दिखा देता हूं, चलो ये रेड कलर दे दिया इसको, एक ये होगी और एक युक्ति ये होगी, ये होगी दो युक्तियां। इनका काम क्या है, काम दिखाता हूं, इसको कहेंगे रोटरी करंट रिवर्सल, रोटरी करंट रिवर्सल। एक तो ये हो गया, ये क्या करेगी, ये उस करंट को रिवर्स करेगी, जैसे ये डीसी है तो इसे एसी बदलेगी, और आवश्यकता क्यों पड़ेगी आपको बताऊंगा, इसको कहेंगे सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर, ये होगा सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर हो गया। एक दो युक्तियां लगेंगी आपको, बस दोनों युक्तियां ध्यान रखना है। अब आपको दिखाता हूं देखो इसका काम क्या है, ये जनरेटर को घुमाएंगे, डीसी मिलेगी, डीसी को ये युक्ति क्या करेगी एसी में बदलेगी, और ये इस एसी को डीसी में बदलेगी। अब क्यों, क्योंकि ओम मीटर को चाहिए डीसी, ओम मीटर को चाहिए डीसी, और अर्थ रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको चाहिए एसी, ये आप ये ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, बस ये ही और संयोजन आपको दिखाऊंगा साथ साथ में, आपको संयोजन कैसे होंगे। अब उसमें पहले इसकी संरचना में देखो क्या क्या होते हैं, संरचना लिख लो, संयोजन आपको मैं दिखाता जाऊंगा और साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। संयोजन में देखो क्या होगा, संरचना में इसमें अर्थ चेस्ट में क्या होता है, एक तो हस्तचालित डीसी जनरेटर होता है, काफी बार पूछा कि अर्थ चेस्ट में कौन सा एक जो मशीन होती है इसको मैग्नेटो जनरेटर भी बोल सकते हैं, डायनेमो कह सकते हैं, मैग्नेटो जनरेटर कह सकते हैं, याद रखना। और इसकी जो स्पीड होती है वो 160 आरपीएम यथार्थ मानी गई है, मैगर की 140 से 160 थी, इसको 160 आरपीएम होती है याद रखना। अर्थ चेस्टर की आरपीएम 160 आरपीएम, स्पीड 160 आरपीएम होती है, इसको 160 आरपीएम पर मानक मानी जाती है याद रखना। उसके बाद आती है संरचना में, उसके बाद में एक ओम मीटर होता है, एक तो अगर डीसी जनरेटर हो गया, एक ओम मीटर होता है, एक प्रत्यक्ष ओम मीटर होता है, प्रत्यक्ष ओम मीटर होता है कैसा होगा, डायनेमो टाइप का होगा, डायनेमो टाइप होगा, एक याद रखना। अब दो चीजें होगी, एक ओम मीटर होता है, और अब देखो ओम मीटर में क्या होता है, आप लोग जानते हो ओम मीटर में क्या होगा, दो चुंबक होंगी, दो क्वाइल होती हैं, ऐसे मानो दो क्वाइल होती हैं, ये दो क्वाइल हैं, एक पीसी रहेगी एक सीसी रहेगी, समझ गए, और दोनों 90 डिग्री पे अंतर स्थापित होती हैं, 90 डिग्री पर स्थापित होती हैं याद रखना बात, काफी बार पूछा भेजा है तो बता देना है भाई, दोनों 90 डिग्री पर स्थापित होते हैं ओममीटर में, और दो चुंबक होती हैं, एक एन और एस स्थायी चुंबक होती हैं, लिख लो दो स्थायी चुंबक होती हैं, स्थायी चुंबक होते हैं, ये यहां तक तो इसका स्वरूप था। अब देखो और क्या होता है, और लिख लो एक स्पेंडल होता है, लिख लो स्पेंडल पर दोनों क्वाइल 90 डिग्री पर पॉइंटर के साथ संयोजित होते हैं, और एक पूर्वांकित पैमाना होता है, इतना ही होता है। अब आपको संयोजन दिखा देता हूं, इसकी कार्य प्रणाली लिखा देता हूं इसको। अब देखो सबसे पहले आपको देखना है, ये तो आपके पीसी है, ये तो पीसी है, और ये सीसी है, सीसी एक संयोजन करने, सीसी कहां लगती है, सीसी लगती है श्रेणी क्रम में, याद रखना मैं पहले बताऊं कि करंट कॉइल हमेशा श्रेणी क्रम में लगती है, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। देखो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको दो तार मिले, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा, क्या मिली यहां पे, आप समझ रहे हो यहां पे डीसी मिलती है, सबसे पहले डीसी मिली। अब इस करंट कॉइल में और जो यहां पे अर्थ रेजिस्टेंस लगाएंगे, अर्थ रेजिस्टेंस को एसी से संयोजित करेंगे अर्थ इलेक्ट्रोड को, और उसको करेंगे डीसी से संयोजित, याद रखना। अब यहां से सप्लाई निकली, देखो तो अब दिखाता हूं आपको संयोजन में इसके, सबसे पहले क्या देखेंगे, संयोजन देखेंगे, इसको क्या देंगे, इसको देंगे डीसी, और अर्थ इलेक्ट्रोड, एक तो अपना अर्थ इलेक्ट्रोड ये रहेगा,
दो रहेंगे यहाँ पे, दोनों एक साथ संयोजन रहेंगे, और दो सहायक इलेक्ट्रोड रहेंगे अपने यहाँ पे। अब बताऊँ आप लोगों को क्या क्या संयोजन रहेंगे उसके, ये साइड, क्योंकि ये पृथ्वी में गाड़ेंगे और ये भी पृथ्वी में गाड़ेंगे, दोनों की दूरी बताऊँ आप लोगों को। अब देखो इसको क्या चाहिए, इसको डीसी चाहिए। डीसी कहाँ मिलती है, डीसी मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको डीसी मिलेगी, ये डीसी डीसी ये मिलेगी इसको। डीसी से कहाँ देंगे इसको, ये डीसी सप्लाई देंगे इसको करंट कॉइल को। चलो डीसी सप्लाई करंट कॉइल को दे दी, समझ रहे मेरी बात को, डीसी सप्लाई किसको दी, करंट कॉइल को दी। यहाँ से करंट कॉइल से वापस सप्लाई घुमाएंगे और ये घुमा के कहाँ देंगे इसको, डीसी सप्लाई दे दी इसको, ये दे दी इसको डीसी सप्लाई। एक चीज़ याद रखना, डीसी सप्लाई कहाँ आई, इसको घूम के यहाँ से आएगी डीसी सप्लाई। अब इसको इसका दूसरा सिर देखो सीरीज में आ गई, तो ये हो गया सीरीज, यहाँ पे यहाँ दे देंगे इसको, ये दे दिया सीरीज में इसको। चलो एक तो यह होगा कि डीसी सप्लाई यहाँ से घूम के रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से, और ये आ गया किसके श्रेणी क्रम में चल रहा है, ये डीसी सप्लाई करंट कॉइल डीसी सप्लाई की श्रेणी क्रम में आ गई, यहाँ अर्थ इलेक्ट्रोड में आ गया। एक संयोजन आपको ये हुआ कंप्लीट। अब दूसरा संयोजन देखो, ये संयोजन यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ से देंगे, ये दे दिया इसको, ठीक है। और ये संयोजन किसको देंगे, ये दे दिया आप इसको दे देंगे, पहले ये दे दिया इसको। बोले एक अर्थ इलेक्ट्रोड ये है, एक अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों के बीच का प्रतिरोध होगा, करंट कॉइल दोनों की श्रेणी क्रम में लगी है, ये सीसी है। करंट कॉइल इस अर्थ इलेक्ट्रोड और इस अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों की श्रेणी क्रम में लगी, ये डीसी सप्लाई देखो ये आ गई यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ये आगे घूम के वापस यहाँ पे, ये इसने क्या कह दिया, आप कहेंगे इसको एसी मिली है, एसी कैसे, ये डीसी इसको मिली, इसने एसी को डीसी में बदला है, ये क्या करेगी, डीसी को डीसी को एसी में बदलती है, तो इसको इसने इसको डीसी दी, यहाँ तक डीसी दी, ये डीसी है और एसी में बदलेगी, ये एसी आ गई यहाँ पे, इसको मिली एसी और इसको क्या मिला, इसको डीसी मिली है, तो दोनों का मान हो गया ये। तो इस डीसी टू एसी का मान बदला, इस किसने बदला, इसने रोटरी करंट अपने रिवर्सन ने मिला, इसने इस डीसी को ऐसे बदला। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका काम क्या है, इस यंत्र की, ये डीसी उस डीसी को ऐसे बदलेगा, इसको क्या मिलेगी, इसको डीसी मिलेगी, डीसी को ऐसे बदलेगा, एसी किसको देंगे, इसको देंगे वापस, ठीक है। तो अब इसको डीसी कौन देगा, डीसी देखना, अब यहां से देखेंगे बात करेंगे। अब देखो यहां से घूम के आया, इसने एसी दी, यहां पे एसी आई है, ये एसी यहां से आएगी, इसको दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, एसी गई यहां पे, एसी किसके पास की, इसके पास की। अब ये क्या करेगा, इस एसी को डीसी में बदलेगा, ये क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा, डीसी किसको देंगे, प्रेशर कॉइल को डीसी देंगे। अब दिखा देता हूं आपको, ये आपका हो गया ये प्रेशर कॉइल और ये डीडीएस को डीसी, प्रेशर कॉइल को क्या मिली, डीसी मिली है, किस एसी को, घूम के इसने वोल्टेज ड्रॉप किया उस एसी को। अब वापस आते हैं यहाँ पे, ये प्रेशर कॉइल किस में लगती है, पैरेलल में लगती है, और इसका दूसरा सिरा कहाँ लगेगा, दूसरा सिरा देखो यहाँ ला के और यहाँ आएगा, और ये सिरा यहाँ पे लग के, यहाँ पे लग के और यहाँ पे लग के, यहाँ पे यहाँ आएगा, इन दोनों का प्रतिरोध होगा, इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर प्रेशर कॉइल में टार्क उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ पे क्या थी, एसी थी, यहाँ पे क्या थी, एसी थी, ये एसी कहाँ गई, इस रेजिस्टेंस के ड्रॉप होती हुई, यहाँ ड्रॉप हुआ, वो यहाँ क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हो गई, यहाँ पे एसी मिली, उस एसी को घुमा के यहाँ दिया, और उस एसी को इसने डीसी में बदला और डीसी दी इसको, ये मतलब कि प्रेशर कॉइल को डीसी मिली है। ये तो हो गया आपके संयोजन कंप्लीट, ठीक है। अब ये क्या रहेंगे, ये आपका रहेगा सी वन और पी टू, देखो ये किस में लगा, देखो ये सी वन किस में लगा है, ये करंट कॉइल के श्रेणी क्रम में सी वन का सिरा, प्रेशर कॉइल का सेकंड सिरा, देखो प्रेशर कॉइल एक तो ये आ गया यहाँ पे, ये पी टू का सिरा आ गया, आए ना, ये पी टू का सिरा है और ये C2 का सिरा है, तो C2 का एक सिरा ये तो लगी थी करंट कॉइल का पहला सिरा यहाँ पे आया, दूसरा सिरा ये तो श्रेणी क्रम में, ये प्रेशर कॉइल का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा ये प्रेशर कॉइल में, दोनों पॉइंट हो गए, ये किसके किससे लगे हैं, ये प्रेशर कॉइल और श्रेणी करंट कॉइल में लगे हैं। अब आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, मेरे कहने का मतलब कि ओम मीटर को डीसी दी है और इस इन दोनों अर्थ जो इलेक्ट्रोड है उनको एसी दी है, बस इसका काम यही था। अब आपको दिखाता हूँ वर्किंग क्या होता है इसके अंदर, अब इसकी वर्किंग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वर्किंग, वर्किंग देखो। अब वर्किंग में बात आती है, आपसे पूछा जाएगा सर करंट कॉइल में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ये कहां इसके और इन दोनों इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में लगी है, लग रही है ना, तो लिख सकते हैं करंट कॉइल में प्रवाहित धारा टेस्ट परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है, सीसी में प्रवाहित धारा टेस्ट परिपथ ये है, यहां से यहां तक का प्रतिरोध नापना है हमें को, टेस्ट परिपथ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होती है, एक तो बात ही आती है क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गई और ये क्वाइल इन दोनों के पैरेलल में लगी है, ये क्वाइल इन दोनों के पैरेलल में लगी है, तो पीसी में प्रवाहित धारा लिख दो, सेकंड पीसी में प्रवाहित धारा होगी, पीसी में प्रवाहित धारा टेस्ट प्रतिरोध, एक प्रतिरोध तो ये था, एक प्रतिरोध ये है,
पीसी में प्रवाहित धारा, टेस्ट प्रतिरोध में विभवांतर के समानुपाती, टेस्ट प्रतिरोध में विभवांतर के, क्योंकि पैरेलल में लगी है, विभवांतर के समानुपाती होती है। एक चीज आपके सामने आती है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि रोटरी इन्वर्सर का काम क्या है, लिख लेना रोटरी करंट इन्वर्सर का काम क्या है, इसके बारे में लिख लो, किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसकी लिखा। तो पूछा जाएगा अब कि इस अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट में रोटरी करंट रिवर्सर की आवश्यकता क्यों हुई, लिख लो इसके बारे में। ये करता क्या है, ये लिख लो, जनरेटर से प्राप्त होने वाली डीसी को एसी में बदलता है, जनरेटर से प्राप्त होने वाली एसी को सॉरी डीसी को एसी में बदलता है। इसका मुख्य काम तो ये है, क्यों बदलता है, क्योंकि जब अर्थ इलेक्ट्रोड ये है, ये क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड है और ये सहायक इलेक्ट्रोड है, सहायक अर्थ इलेक्ट्रोड है, सहायक अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये सहायक अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये मेन अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये आपकी अर्थिंग की है। तो लिख सकते हैं क्योंकि, आगे लिखो इसमें, क्योंकि जब अर्थ इलेक्ट्रोड मापन में डीसी का प्रयोग किया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड मापन में यहां अर्थ इलेक्ट्रोड पर डीसी का प्रयोग किया जाता है, तो यहां इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रभाव उत्पन्न होता है, लिखना यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब कि अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों पर हरे हरे रंग का एक मतलब कि कार्बन सा जम जाता है या जंग सा लग जाता है, और मतलब कि वहां पे वहां का आसपास के एरिया का रंग बदल जाता है, तो वहां क्या होगा, जंग की प्रभावना होगी और वहां पर जंग उत्पन्न होने से इसके चारों तरफ का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यथार्थ मापन नहीं आएगा, इसलिए कैसे उसको कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रभाव। लिख लिए, अर्थ इलेक्ट्रोड पे यदि डीसी का प्रयोग करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण रीडिंग लेने में त्रुटि हो सकती है, यहाँ पे रीडिंग लेने में त्रुटि हो सकती है, इसलिए भाई अर्थ इलेक्ट्रोड पर हमेशा एसी का प्रयोग किया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड का मापन के लिए हमेशा एसी का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। तो ये एसी कौन देगा, रोटरी करंट रिवर्सर देगा, आगे समझ में। ये तो था इसका प्रयोग कि ये अर्थ इलेक्ट्रोड को एसी प्रदान करने के लिए रोटरी करंट रिवर्सर डीसी को एसी बदलता है और अर्थ इलेक्ट्रोड को एसी देता है, क्योंकि यहाँ पे डीसी प्रयोग करने से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और जिससे रीडिंग लेने में त्रुटि हो सकती है। एक ये था। अब ओम मीटर की बात कर लें, आगे की प्रणाली देखो, ओम मीटर सॉरी इसका ये आ गया आपका सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एसी सप्लाई को इससे प्राप्त होने वाली एसी, यहां से देखो यहां से, ठीक है ना, एसी सप्लाई को भू इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित होने के बाद, एसी सप्लाई लिख रहा है इसके बारे में, एसी सप्लाई को भू इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित होने के बाद ओम मीटर को डीसी प्रदान करता है, समझ गए, ओम मीटर को डीसी प्रदान करता है, एसी सप्लाई के भू इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित होने के बाद एसी का वोल्ट ड्रॉप होने के बाद, एसी का वोल्ट ड्रॉप होने के बाद उस एसी को ओम मीटर की मूविंग कॉइल के लिए डीसी के रूप में प्रदान करता है, क्योंकि ओम मीटर की मूविंग कॉइल को डीसी एसी नहीं दे सकते, इसलिए यह क्या करता है, एसी को डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ये इसका मुख्य कार्य था। अब देखो क्या होगा, इसको 160 आरपीएम पर घुमाएंगे, इसको 160 आरपीएम पर घुमाएंगे, इसको 160 आरपीएम पर घुमाएंगे, डीसी बनेगी एसी, यहां एसी होगी, एसी को डीसी में बदलेंगे और यहां से इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस जो होगा उसका ये यथार्थ मापन अपने पैमाने पर करके देगा। तो लिख सकते हैं इसमें क्या होगा, और इसमें दो सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों सहायक इलेक्ट्रोड, देखो ये दो सहायक लिखना, इस यंत्र के लिए, इस यंत्र के लिए दो सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों सहायक इलेक्ट्रोड एक सरल रेखा में भूमि में दबाए जाते हैं, एक मैन इलेक्ट्रोड होता है, समझ गए, ये कहां से जुड़ते हैं मैंने आपको बता दिया, एक मैन इलेक्ट्रोड होता है। अब आपको दिखाऊंगा दोनों सहायक इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी की बात करता हूं, यहां पे बीच की दूरी देखो, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ बीच की दूरी, एक ये आपका हो गया यहाँ से, चलो यहीं दिखा देता हूँ मैं, ये हो गया आपका मैन इलेक्ट्रोड, ये अर्थ जो आपने अर्थिंग कर रखी है वो इलेक्ट्रोड, समझना मेरी बात को, और दो रहेंगे सहायक इलेक्ट्रोड, ये रहेंगे आपके सहायक इलेक्ट्रोड, जमीन में दबा दिए, एक सहायक इलेक्ट्रोड ये रहेगा, ठीक है सहायक इलेक्ट्रोड, और इनके बीच की दूरी की बात करते हैं, ये मैन इलेक्ट्रोड हो गया, ये सहायक इलेक्ट्रोड हो गया, ये इसको बी पॉइंट दे दूँ, इसको सी दे दूँ, इसको ए पॉइंट दे दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ लेकर मुख्य इलेक्ट्रोड से ए और सी के बीच, सहायक इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मिनिमम कितनी होती है, लिख लो ए से सी के बीच
दूरी कम से कम 15 मीटर होती है, 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए यथार्थ मापन के लिए, एक तो याद रखना। दूसरी, दोनों सहायक इलेक्ट्रोड को यंत्र के, देख लो, दोनों सहायक इलेक्ट्रोड को यंत्र के ये P2 से और C2 से संयोजित किया जाता है। दोनों सहायक इलेक्ट्रोड को यंत्र के P2 से और C2 से संयोजित किया जाता है, और इस मैन इलेक्ट्रोड को, मैन अर्थ इलेक्ट्रोड को C1P2 से संयोजित किया जाता है, C1P2 से संयोजित किया जाता है। चाहे C1 से कर दो और चाहे P2 से, हाँ P2 से कर दो, समझ गए आपको। ये तो थी बात यहाँ पे। अब आप ये P1 आता है, P1 से और C2 से संयोजित करते हैं, और ये C1 P2 से संयोजित करते हैं, ये तो आ गया। अब देखो इनके बीच की दूरी कितनी रखते हैं, लगभग ये इनके बीच की दूरी 12.5 मीटर यहाँ आती है और 12.5 मीटर यहाँ आती है कम से कम, ठीक है ना। तो कितनी होगी, 12.5 दूनी 25 होगी, मैंने आपको 15 लिखवाई थी, यथार्थ मापन के लिए 15 से कम नहीं होनी चाहिए, और एक्चुअल मापन के लिए 12.5 यहाँ कर देंगे, तीनों के बीच की दूरी बराबर कर देंगे। अब आपको सामने समस्या आती है कि कैसे मापेंगे। जैसे एक अर्थ इलेक्ट्रोड ये था, ये मैन अर्थिंग थी, यहां से एक इलेक्ट्रोड ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे, एक चारों तरफ से, चारों तरफ से अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इन सहायक इलेक्ट्रोड को दबाएंगे और रीडिंग का मापन करेंगे। तो फिर आपका अर्थ रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा, अर्थ रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। ये फॉर्मूला काफी बार पूछा गया, इसका कैलकुलेशन भी पूछा गया है कि एक अर्थ इलेक्ट्रोड से प्राप्त पाठांक निम्नलिखित है, एक अर्थ रेजिस्टेंस से या अर्थ रेजिस्टेंस स्टेटर से प्राप्त पाठांक इतना है, तो अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होगा। याद रखना बात, अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होगा, चलो आपको बता देता हूं, इसका फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को मैं। देखो यहां से ये अर्थ रेजिस्टेंस नापा, यहां से ये नापा, यहां से ये नापा, यहां से चारों दिशा में अर्थ रेजिस्टेंस नाप, माना इसका रीडिंग आ गई 5 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम रीडिंग आ गई है। यहां से मापा, ओम रीडिंग आ गई, 2 ओम आ गई, 3 ओम आ गई, 4 ओम आ गई, तो इस अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होगा इसकी बात करते हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो, अर्थ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो। देखो ये माने कि 5 और 6 इस हिसाब में आप 7 8 जितनी भी रीडिंग ले सकते हैं, 4 तो मिनिमम होंगी, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, मान लीजिए 6 7 रीडिंग ले ली, जितनी भी रीडिंग ले ली इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो रीडिंग का योग होगा बराबर क्या होगा, यहां पे अर्थ रेजिस्टेंस की बात करें, ईआर की बात करें, तो रीडिंग का योग जो भी रीडिंग आएगी, जैसे 2 आ गई, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 3 14 आ गई, जो भी रीडिंग आ गई, रीडिंग का योग अपॉन रीडिंग की संख्या, ये आपको निकालना पड़ेगा। आपको पेपर में क्या मिलेगा, रीडिंग की संख्या यह है, पेपर में क्या मिलेगा, 8 से 10 या 4 से 5 रीडिंग मिल सकती हैं। फिर पूछा जाएगा इस अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है, तो सबको जोड़ेंगे और जितनी रीडिंग है उसका भाग दे देंगे, मतलब कि कहने का मतलब इस रीडिंग का औसत निकाल देंगे, इस रीडिंग का औसत निकाल देंगे, तो ये औसत निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 14 आ गया, 14 अपॉन 4, क्योंकि 4 रीडिंग ली है, 2 6 8, 8 5 13 और 14 15 आ गया, 13 3 16 आ गया, 8 5 13 3 16 आ गया, ये हो गया 16। 16 में 4 का भाग दे दो, 4 ओम आ जाएगा, 4 चौका 16, तो इसका इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है और 5 ओम मिनिमम रखा जाता है, तो सही बिल्कुल ओके। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जाता है, और आपके सामने क्वेश्चन मिल सकता है, आपको कभी भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आज का आपका अर्थ रेजिस्टेंस, कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, जहाँ से ऑलरेडी सप्लाई मौजूद हो या सप्लाई की संभावना होती है वहां इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थ में लीकेज करंट है वहां इसका प्रयोग नहीं कर सकते, याद रखना अर्थ में लीकेज करंट है। तो इसको उपयोग करने से पहले अर्थ को फ्री कर देना चाहिए, अर्थ इलेक्ट्रोड को फ्री कर देना चाहिए कि यहाँ पर कोई लीकेज करंट की संभावना नहीं हो। इसकी यथार्थ स्पीड कितनी होगी, 160 RPM होगी, फॉर्मूला आपको बताया है। इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है, 15 मीटर होती है, रखी कितनी जाती है, तीनों के बराबर रखी जाती है, 12.5 इधर और 12.5 इधर रखी जाती है, तो 25 मीटर के लगभग आ गई, 12.5 दूनी 25 आ गई। तो ए से बीच की दूरी कितनी, 25 होती है, मिनिमम कितनी, मतलब कि 15 मीटर के करीब, अधिक रख सकते हो आप लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अधिक रख सकते हैं। ये तो था आपका अर्थ रेजिस्टेंस, याद रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।